गुड मॉर्निंग। देखो आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ठीक है। संख्याओं में दो तरीके की संख्या होती है, एक कौन सी होती है बताओ, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और सेकंड होती है काल्पनिक संख्या। देखो आराम से समझना आप लोग, बिल्कुल आवाज मत करना, है ना। काल्पनिक संख्या किनको बोलेंगे, ऐसी संख्या है जिनके रूट में माइनस होता है उन्हें काल्पनिक संख्या बोला जाता है। जैसे आपके कहीं भी नंबर में रूट में रूट माइनस एक दिया हुआ है, रूट माइनस 16 दिया हुआ है, रूट माइनस 25 दिया हुआ है, रूट माइनस 6 दिया हुआ है, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है बताओ, काल्पनिक संख्या है क्या, काल्पनिक संख्या है क्या, नहीं पढ़ा क्या, ठीक है। इधर देखो, अच्छा रूट में माइनस वाली काल्पनिक क्यों होती है बताओ, अरे एक का रूट क्या होता है बताओ, एक का रूट एक होता है, ठीक है। लेकिन माइनस एक को क्या लिख सकते हो बताओ, रूट एक इंटू रूट माइनस एक लिख सकते हैं क्या, तो रूट एक तो एक होता है लेकिन ये होता है आयोटा, आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, कौन सा, आई फोर इमेजिनरी नंबर। जैसे इधर देखो रूट माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 16 इंटू रूट माइनस एक, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, बताओ 4 इंटू आयोटा हो जाएगा क्या, 25 का क्या हो गया बताओ, 5 आयोटा, ठीक है क्या, इसको रूट छः आयोटा, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3 आयोटा। कुल मिला के बात यह है कि जिन संख्याओं के रूट में माइनस है वो कौन सी है, काल्पनिक। अच्छा काल्पनिक को छोड़ करके दुनिया की सभी संख्याएं क्या है बताओ, वास्तविक। जैसे आपसे बोला गया 3/4 कैसी संख्या है, वास्तविक। 18/25 कैसी है, 0.27 कैसी है, -18 कैसी है, वास्तविक। -18 रूट कहाँ लगाया है, रूट कहाँ लगाया है उस पर, माइनस में रूट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। उसके अलावा जो दुनिया की जितनी भी संख्या है वो क्या है बताओ, वास्तविक, क्लियर है। अब इसके बाद वास्तविक को दो भागों में बांटते हैं, कौन सा होता है देखो, एक तो होती है इसमें परिमेय, एक तो होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय। भाई देखो दो तरह की संख्या होती है, एक तो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या, एक इसका विभाजन है बताओ वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याओं में एक तो परिमेय होती है और एक कौन सी होती है, अपरिमेय। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो P/Q के रूप में होती हैं वो परिमेय, और जो P/Q के रूप में जिनको नहीं लिख सकते वो क्या होती हैं, अपरिमेय। अब इसके बाद परिमेय को भी दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न। इधर देखना ध्यान से, परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं बताओ, P/Q के रूप में। अगर Q का मान एक है तो वो क्या बन जाएगा, पूर्णांक, और अगर Q का मान एक नहीं है तो वो क्या बनेगी, भिन्न। परिमेय संख्या में यदि Q बराबर 1 है तो बताओ ये क्या है, पूर्णांक, और Q का मान 1 के बराबर नहीं है तो ये क्या है बताओ, भिन्न। भिन्न भी दो प्रकार की होती हैं, उचित भिन्न और अनुचित, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। और पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव 0 और पॉजिटिव। बस इतना सा आप लोग लिख लो, फिर एक एक, अरे एक एक को पढ़ेंगे भाई, एक एक को पढ़ेंगे, और एक भी क्वेश्चन आपका, अगर आपको ये चार्ट इस तरीके से पता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। एक एक संख्या को अलग से पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं को अलग से पढ़ेंगे, परिमेय को अलग से पढ़ेंगे, अपरिमेय को अलग से पढ़ेंगे, पूर्णांक अलग से पढ़ेंगे, भिन्न अलग से पढ़ेंगे, और उचित और अनुचित भिन्न अलग पढ़ेंगे, पूर्णांक अलग पढ़ेंगे, ठीक है क्या। आप में से कोई भी स्टूडेंट बिना देखे इसको ड्रॉ कर सकता है क्या, बिना देखे, क्या थैंक यू, अरे क्या बात है।
मतलब पढ़ाते पढ़ाते की लगा दी, कोई ढंग का फोटो ले लेते यार। आज आपने ये नहीं बोला कि मैं चप्पल पहने कैसे आया। अच्छा वीडियो चल रहा है क्या? अच्छा ऐसा है क्या? थैंक यू। अरे ऐसा था पता है क्या, मैं बहुत जल्दी में था इसीलिए मैंने चप्पलों को प्रीफर किया। लेकिन सर्दियों में अच्छा नहीं रहता। नीचे नीचे वो उबेर वाला खड़ा हुआ, भैया आ जाओ जल्दी से, फ़ोन कर रहा। अब मुझे इतना ध्यान आया उसकी बाइक पे बैठने के बाद कि यार जूते की जगह चप्पल पहन के आ गया मैं। कोई बात नहीं, थैंक यू। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, ये बताओ। वास्तविक संख्या या रियल नंबर किसे बोला जाता है? नहीं नहीं वो तो उनका वर्गीकरण है, वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे बताओ? ऐसी सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। संख्या रेखा क्या होती है बताओ? देखो मैं बनाता हूँ संख्या रेखा, देखो इधर से देखना। हाँ बिल्कुल, संख्या रेखा ये होती है, यहाँ पे मान लो आपका जीरो है, ठीक है, जीरो से यहाँ पे माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार डॉट 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 यहाँ पे क्या तक, अनंत तक जाएगी क्या ये माइनस तक, और यहाँ पर आएगी वन टू थ्री फोर डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी। क्लियर है क्या? इधर देखो इसमें क्या करेंगे बताओ, इसका मतलब ये है कि वास्तविक संख्याओं में कौन सी संख्या है बताओ। देखो जीरो से एक के बीच में क्या क्या आता है बताओ, ध्यान से समझना, जीरो से एक के बीच में क्या आता है? पॉइंट एक भी आता है क्या? इसी को हम एक बटा दस भी बोल सकते हैं क्या? ठीक है, वैसे ही जीरो माइनस एक के बीच में क्या आता है बताओ? पॉइंट फाइव भी आता है क्या? तो इसको भी हम एक माइनस एक पॉइंट फाइव बाई टेन यानी एक बटा दो लिख सकते हैं क्या माइनस का? यानी वास्तविक संख्याओं में कौन सी संख्या है ध्यान से समझना। देखो पॉइंट वाली संख्या भी आ गई, बटे वाली संख्या भी आ गई, माइनस वाली संख्या भी आ गई, तो वास्तविक संख्याएं एक्चुअल में है क्या? सभी संख्याओं का दादा कौन है? वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं के दादाजी कौन? अगर बोले कि पूर्णांक घूम रहा है वास्तविक संख्या होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर बोला कि देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं भाई, किसी ने बोला कि क्या पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं क्या? आप बोलोगे हाँ। क्या परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं क्या? क्या परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये इनके क्या है, नाती पोते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया के होल नंबर जितने भी नंबर हैं वो क्या हैं बताओ? वास्तविक। उनको पढ़ेंगे बाद में, पहले आप वास्तविक संख्या समझ गए क्या? काल्पनिक को छोड़ के दुनिया में जितनी भी नंबर हैं वो क्या हैं बताओ? वास्तविक। इतना ध्यान दिमाग में है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी आएगा जैसे पूछा गया कि सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, बात सही है या गलत है? लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ऐसा ये गलत है। क्लियर है? तो वास्तविक संख्या समझ में आ गई क्या? तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो माइनस फोर माइनस एक बटा दो माइनस एक बटा पाँच पॉइंट पाँच अठारह सत्ताईस और पैंतीस, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो लिख सकते हो आप, ठीक है क्या? वास्तविक संख्या समझ में आ गई क्या? बताओ वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में विभाजित किया था, कौन कौन से भाग थे बताओ? रेशनल और इरेशनल। बताओ परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उनको क्या बोलेंगे? हाँ लेकिन 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 भाई सुनो, इससे आपका जो है ना वो सॉल्व नहीं हो पाता क्या, सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आप जैसे ही सवाल पे जाते हो वो सवाल क्या है आपको दिक्कत कर जाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अपरिमेय संख्या, लिखो अपरिमेय।
इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होंगी, ध्यान से समझना, अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। एंड नॉन रिपीटिंग नंबर यानी ऐसी संख्याएं जिनकी ना तो पुनरावृत्ति हो, जिनकी ना तो पुनरावृत्ति हो ना ही अंत हो, वो सारी की सारी क्या है बताओ, अपरिमेय संख्या है। ठीक है क्या? तो नाम के लिए है वो डेफिनेशन तो, कि जिनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये तो बस एक नाम की डेफिनेशन है। अब यहां से मैं एग्जांपल लिखूंगा। अच्छा, परिमेय क्या हो जाएगी फिर, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ऐसी संख्याएं या तो उनका क्या हो बताओ, रिपीटेशन हो या फिर उनका टर्मिनेशन हो, वो दोनों की दोनों संख्या क्या होंगी बताओ, परिमेय संख्या। तो परिमेय तो बस इसकी उल्टी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग एंड यानी ऐसी संख्या जिनका या तो रिपीटेशन हो या फिर क्या हो, अंत हो। ऐसी संख्या जिनका या तो अंत हो या तो अंत हो या पुनरावृत्ति हो। अब मुझे आप लोग बताओगे, मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लिखता हूं कि कौन सा नंबर तो परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। ठीक है क्या? जैसे हमने लिखा 0.333333 डॉट 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 अनंत, बताओ परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय है क्या? कितने स्टूडेंट हैं अपरिमेय वाले? आराम से पढ़ लो, आराम से देख लो, आपके पास डेफिनेशन है। परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय है क्या मेरे भाई? अपरिमेय कैसे हो सकती है? देखो, अपरिमेय की दो कंडीशन है, ना तो पुनरावृत्ति हो, अरे पुनरावृत्ति हो रही है ना यार नंबर की, तीन 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 तीन, तो ये कैसी है बताओ, अरे तो परिमेय होगी ना, परिमेय। क्यों? क्योंकि अपरिमेय तो वो होगी जिनका पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है क्या? एक नंबर हमने लिखा 0.3956889, बताओ हैं अपरिमेय है या परिमेय बताओ। अरे मेरे भैया, इसका एंड तो हो गया, ये डॉट डॉट अनंत तक कहाँ गई, एंड हो गया कि नहीं हो गया? अभी समझने की कोशिश करो धीरे धीरे, कैसी संख्या है ये बताओ, अरे भैया ऐसी कोई भी संख्या, द्वारा से देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जिनका या तो अंत हो जाए, बताओ इनका अंत हो रहा है क्या? अरे इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते क्या? देखो लिख तो सकते हैं, जितने पॉइंट है उतनी जीरो लगा दो ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस नंबर को लिख के 3 9 5 6 8 8 9 के पीछे 7 जीरो लगा करके इसको बना सकते हैं ना, पर पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। तो जिनका एंड हो जाएगा वो तो परिमेय है ही है, जिनका एंड हो जाए वो तो परिमेय लिख ही सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिखना होता है, पी बटा क्यू के रूप में हो गया। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्यों है बताओ, ये तीन, देखो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, जब बार बार रिपीटेशन होता है, और 3 बार को हम 3/9 लिख सकते हैं क्या, 12 हटाते हैं 9 का भाग लगाते हैं, तो ये भी पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। समझ में आ रहा है क्या? एक और नंबर लिखते हैं, √5 कैसी नंबर है बताओ,
रूट 5 पाई और 22 बटा 7, इन तीन के बारे में बताओ जल्दी से, कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय, आराम से सोच के। सबसे पहले रूट 5 के बारे में बताओ, परिमेय या अपरिमेय? ये भैया अपरिमेय संख्या है। कैसे? देखो कोई भी रूट वाली संख्या जिनका रूट नहीं आता वो अनंत तक जाती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रूट 3, रूट 2 कितना होता है बताओ, किसी ने मान सुना है क्या इसका? 1.41 है ना, 4 1 4 ... अनंत तक। रूट 3 का मान होता है 1.732 ... अनंत। वैसे ही रूट 5 का मान भी कुछ होता है जो कितने के बीच में होता है, यानी ये भी कितने तक आ जाता है? अनंत तक। तो ये बात भी आप लोग क्लियरली दिमाग में बिठा लो कि जिन संख्याओं का रूट नहीं होता वो सबकी सब क्या है बताओ? अपरिमेय। जिनका रूट नहीं निकलता वो क्या है? अपरिमेय। और जिनका रूट निकल आए वो क्या है? परिमेय। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो क्लियरली अपरिमेय में कि जिन संख्याओं का, नोट करके लिख लेना, जिन संख्याओं का रूट नहीं निकलता, का रूट या वर्गमूल नहीं निकलता, रूट नहीं होता, नहीं निकलता, वो अपरिमेय होती हैं। अब बताओ पाई कैसी है बताओ, परिमेय या अपरिमेय? ये परिमेय है या अपरिमेय पाई का? पाई और 22 बटा 7 का विकल्प बच्चे, अरे पाई का मान क्या होता है बताओ? 3.14 होता है, वो एप्रोक्सीमेशन में होता है, उसके बाद वो अनंत तक जाता है। तो पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14 ... अनंत, है ना, ये अनंत तक वैल्यू जाती है। इसीलिए एक ऐसी संख्या हो गई बताओ अपरिमेय, अपरिमेय। और 22 बटा 7 कैसा है बताओ, ये परिमेय क्यों है? क्योंकि ये तो ऑलरेडी पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है ना, ये तो पी बटा क्यू। पाई को हम हमारे हिसाब से ना 3.14 इसीलिए मान लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन हो जाए, अनंत तक कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसीलिए 22 बटा 7 मान लेते हैं हमारी हिसाब से। आप 7 का भाग 22 में लगाओ तो 3.14 करके कुछ आगे आएगा, ठीक है क्या? तो इसे अप्रोक्सीमेट मान है 22 बटा 7 पाई का। तो कन्फ्यूजन अब खत्म हुआ क्या? रूट वाली जितनी संख्या है वो क्या होंगी बताओ? रूट वाली जितनी संख्या अपरिमेय, पाई अपरिमेय, क्लियर है? और क्या जिनका रूट निकल जाए वो परिमेय, और जिनका रूट 4 लिखा हुआ है आपके पास तो परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। रूट 4 कितना होता है? 2, ठीक है क्या? अब ये नंबर मैं लिख रहा हूँ 0.987 ... अनंत, बताओ कैसा है, परिमेय है या अपरिमेय? आराम से सोच के हैं, अरे रिपीटेशन हो रहा है ना भाई, 9 8 7 9 8 7 9 8 7, ऐसे करके अनंत तक जा रही है क्या? इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 0.987 पे बार, और ये 9 8 7 / 9 9 9, ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? तो ये पी बटा क्यू के रूप में लग गया कि नहीं लिखा, ये कैसी हो गई? परिमेय संख्या। तो जिनका भी रिपीटेशन होगा वो संख्या क्या है बताओ? परिमेय। और जैसी भी संख्या है उसका एंड हो रहा है ना पॉइंट के बाद, वो क्या है? परिमेय। जैसे पॉइंट के बाद कितना भी लिखा हुआ है 9 8 7 6 5 8 7 3 3 8, बताओ अगर ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय? अगर ये अनंत तक नहीं जा रही है तो ये पक्की बात है कि ये क्या है? परिमेय। अगर ये अनंत तक नहीं जा रही है, अगर ये अनंत तक जा रही है तो देखो, अनंत तक जा रही है तो आपको क्या देखना है फिर? कंडीशन सेकंड, क्या रिपीटेशन तो नहीं हो रहा? अगर रिपीट नहीं हो रही तो वो क्या है बताओ? पक्की अपरिमेय, ठीक है क्या? अपरिमेय की दो कंडीशन, पहली बात अनंत तक जाना चाहिए, पहली बात कहाँ तक जाना चाहिए? अनंत तक। और दूसरी बात रिपीटेशन होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन हो गया तो वो कौन सी में आ जाएगी बताओ? परिमेय में। संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, दोबारा से सुन लो, अपरिमेय कौन सी होती है बताओ? अनंत तक जाना चाहिए, और संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट का मतलब ना, हाँ अनंत तक दोनों ही जाएंगी, अगर अंत हो गया तो परिमेय है, अगर अंत हो गया तो परिमेय है, हाँ परिमेय, हाँ रिपीट हो जाए तो परिमेय, परिमेय बिल्कुल, तो भी अपरिमेय। परिमेय दो ही कंडीशन में होगी, या तो उसका अंत हो रहा है या रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है क्या?
भाई इस तरीके से आप कोई भी सवाल कर सकते हो, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन रह गया है क्या? खड़ा हो जाओ, ऐसे ही खड़े हो जाओ। अपरिमेय संख्या की कंडीशन बता दो बस। अपरिमेय संख्या की कंडीशन यानी अपरिमेय संख्या कब कब हो सकती है? दो लाइन में बस, इंग्लिश में बोलो या हिंदी में, या तो इंग्लिश में बोल दो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसे बोल के बता दो बस। एंड नॉन रिपीटिंग यानी ऐसी संख्या है जिनका क्या नहीं हो बताओ, एक तो अंत नहीं हो यानी अनंत तक जाए, और एक दूसरी कंडीशन क्या है बताओ, जिनमें पुनरावृत्ति ना हो, वो संख्या क्या होंगी बताओ? पक्की? बैठ जाओ। ओके, इरेशनल नंबर, वाह क्या बात है, कूल। अब तो आगे ना रेशनल इरेशनल भैया इनके हिसाब से पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब बताओ परिमेय अपरिमेय का सवाल छूटेगा आपसे? पक्का? रूट 18 कितना होगा बताओ, परिमेय या अपरिमेय? रूट 18 आराम से सोच के, कोई किसी के दबाव में आंसर नहीं देना है। बहुत बढ़िया, क्योंकि रूट 18 में रूट नहीं निकल रहा ना, रूट 9 का तो निकल रहा है लेकिन 2 का नहीं निकल रहा, 2 का नहीं निकल रहा, इसका मतलब जिसका भी रूट नहीं निकले वो अपरिमेय। पहली बात समझ गए? आयोटा काल्पनिक माता है, ठीक है क्या? वो हमने पढ़ लिया पहले ही। सबसे पहले तो आयोटा को ही बाहर करना होता है नंबर सिस्टम में। अब बताओ परिमेय संख्या को हमने दो भागों में विभाजित किया था, कौन कौन से भाग थे बताओ? परिमेय को किस किस में? पूर्णांक में और पूर्णांक और भिन्न, ठीक है। इधर लिखो पूर्णांक, पूर्णांक को इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं बताओ? पूर्णांक क्या होते हैं? भिन्न का ही वर्गीकरण है क्या? किसका वर्गीकरण है? परिमेय संख्या का। बताओ p बटा q के रूप में होती है क्या, जहाँ पे q बराबर क्या हो? 1। यानी हर नहीं होना चाहिए, हर एक होना चाहिए, तो अंश ही अंश आएगा इसमें केवल। तो ये संख्या चलेंगी माइनस अनंत से डॉट 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 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अरे पूर्णांक में हमने 3 पढ़े थे क्या? कौन कौन से पढ़े थे बताओ? धनात्मक, 0 और ऋणात्मक। ये जो पूर्णांक होते हैं, देखो इधर देखो, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कैसे बनी? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर बताओ। सभी धनात्मक पूर्णांक कौन से? सभी धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं बताओ? प्राकृत संख्याएं। इनको प्राकृत संख्या क्यों बोला गया बताओ? क्योंकि इनमें से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी हमने खोज करी हो। ये पहले से मौजूद थे, 1 2 3 4 5, 1 इधर घूम रहा था, 2 इधर। किसी व्यक्ति ने कहा चलो चलो तुम प्राकृत हो, बैठो इधर लाइन लगा के। सभी बैठ गए, सबको बोल दिया चलो तुम प्राकृत संख्या हो, ठीक है क्या? क्या अब बताओ पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो पूर्णांक, कई बच्चों को पूर्णांक और पूर्ण में ही अंतर नहीं पता लगता। पूर्णांक कौन है बताओ? पूर्णांक होती है माइनस, 0 और प्लस। जो केवल प्लस पूर्णांक होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या है। और अगर माइनस को भी शामिल कर लिया जाए तो धनात्मक पूर्णांक बनते हैं, ठीक है क्या? यानी बताओ पूर्णांक संख्याओं के भीतर, बताओ पूर्णांक संख्याओं में, दोस्तों पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाले नंबर शामिल है क्या? हैं हैं पूर्ण संख्याओं में? नहीं है क्या? सभी समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो बताओ प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 अनंत, तो भाई एक चीज है, योग लिख लो। प्राकृत संख्याओं का योग होता है n n प्लस 1/2। वर्गों का योग क्या होता है बताओ? 1² + 2² + 3² + डॉट 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 n² ये क्या होता है?
एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। और अगर इनके क्यूब का बोला जाए तो एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब, ये कितना होता है एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये तीन फॉर्मूले लिख लो, आपके काम आएंगे। प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू। अगर हम बोलें एक से लेकर के ग्यारह तक की संख्याओं का योग ग्यारह इंटू बारह बटा दो, तो दो का भाग लगाओ छः, छः ग्यारह छके छियासठ। अगर वर्गों का योग बोलेगा तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। और घनों का वर्ग बोलेगा तो घनों को बोलेगा योग तो एन एन प्लस वन बाई टू का होल क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है क्या? थोड़ी देर और, थोड़ी देर। फिर भाई पूर्ण संख्या कैसे बोलेंगे बताओ? जीरो वन टू थ्री फोर डॉट 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 अनंत। क्लियर है क्या? किसमें पूर्ण संख्या में? होल नंबर, होल नंबर बोलेंगे इसको। तो अगर हम देखो डायग्राम बनाएं, अगर हम यहाँ पे लिखें प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या ये किसके अंदर आती है? पूर्ण संख्याओं के अंदर। और पूर्ण संख्या किसके अंदर आती है बताओ? पूर्णांक संख्या के अंदर। समझ गए? ये एक से लेकर के कहाँ तक होती है? अनंत। ये क्या होती है बताओ? जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो जीरो से लेकर के अनंत, और माइनस अनंत से अनंत तक की कौन सी होती है? तो पूर्णांक का वर्गीकरण होता है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। क्लियर है? अब यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको नंबर्स में? अब बताओ उचित भिन्न और अनुचित भिन्न हमने पढ़ी थी, क्या लिखी थी? भिन्न लिखो। भिन्न लिखो, भिन्न P बटा Q के रूप में होती हैं, जहाँ Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। अब इसमें उचित भिन्न क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है बताओ? बताओ उचित भिन्न किसे बोला जाएगा? सही तरीका क्या होता है भिन्न को लिखने का बताओ? अंश बड़ा या हर बड़ा? उचित तरीका क्या होता है? जैसे आपके 20 नंबर का पेपर है, आपके 17 नंबर आए, तो कैसे लिखेंगे बताओ? 20 बटा, तो यानी क्या है बड़ा है बताओ? हर किससे बड़ा होता है? अंश से। ये उचित तरीका है। अनुचित क्या है बताओ? अगर हम इसको 20 बटा 17 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? अनुचित। तो ये हो जाएगा, इसमें क्या होगा? अंश बड़ा होगा हर से। क्लियर है क्या? तो ये आपके नंबर का वर्गीकरण था, देख लिया आपने? हाँ, तभी जल्दी समझ में आ गया ना। क्या भिन्न किसे बोलते हैं? ऐसी कोई भी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में होती है उस फ्रैक्शंस, इसे बोलेंगे फ्रैक्शन, इसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, क्या चबा डाला इसे, चबा डाला तो लाइफ झिंगा लाला है क्या भाई? अब मेरी बात सुनो, क्यों चॉकलेट ना मिली? ओके सच में ही नहीं मिली क्या? अब भाई सुनो, आपके लिए मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा, है ना? क्वेश्चन डाल देता हूँ, पांच क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल के जाता हूँ, आप लोग उसके आंसर्स दे दो।
ठीक है, पांच क्वेश्चन यहाँ से लिख लेना, मैं लिख के जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एन मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब एक से सौ तक की पहले निकालनी पड़ेंगी, फिर पचास तक की माइनस करनी पड़ेंगी आपको। डायरेक्ट नहीं निकलेगा इसका, पहले एक से सौ तक की निकालनी पड़ेंगी आपको, फिर उनचास तक की संख्याओं को घटा देंगे तो पचास से सौ तक की आ जाएंगी। इसको निकालने का तरीका समझ में आ गया क्या? इस सवाल में क्या करेंगे, हिंट दे देता हूँ, पहले एक से सौ तक की निकाल लो, है ना। तो 100 इंटू 101 बटा 2 हो गया क्या? अरे 50-50 बोल रहा था, वो गलत था भाई। कौन है 50-50? 50-50 तो 1 से 100 तक की का होगा, मैंने 50 से 100 तक की बोला है ना। तो कैसे निकालेंगे बताओ, 1 से 49 की माइनस कर देंगे, 1 से 49 तक की क्या करेंगे? क्लियर है, इसका स्क्वायर का और ये इसके क्यूब का, ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर चार और पाँच में परिमेय अपरिमेय बतानी है, ठीक है। इसमें परिमेय और अपरिमेय बतानी है, और मैं आपके ग्रुप पे क्वेश्चंस भिजवा देता हूँ ना अभी, ठीक है भाई। अभी साइंस की क्लास लो आप, है ना। कौन सा वाला? ये क्वेश्चन नंबर एक है, ये क्वेश्चन नंबर दो है, ये क्वेश्चन नंबर तीन है, ये क्वेश्चन नंबर चार है, ये क्वेश्चन नंबर पाँच है। सॉल्व, हाँ करके लाने, ठीक है।